हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि डेटा टाइप का यूज किस तरह से होता है। लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप का मेन यूज क्या है। तो डेटा टाइप का मेन यूज है, अगर आपको मेमोरी लोकेशन पर पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करवानी है तो इसके लिए डेटा टाइप है। मीन्स किस तरह की वैल्यू। तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, आपका नाम है, आपका विलेज है, आपका रोल नंबर हो, आपका मोबाइल नंबर हो, ये सभी डेटा अगर आपको स्टोर करवाना है और वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, फंक्शनल डिक्लेयर करना हो, तो डेटा टाइप का यूज होता है। तो उनमें से एक डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप। तो उसका यूज क्या होता है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटीजर डेटा टाइप है वो होल नंबर स्टोर करने के लिए होता है। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मींस 10, 20, 30, 50, 10,000, 20,000, ये सब होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। अगर आप इंटीजर टाइप में 10.10 ऐसे वैल्यू स्टोर करने के लिए ट्राई करेंगे तो ये जो है आगे का जो 10 है वो ही लेगा, क्योंकि ये होल नंबर के लिए डेटा टाइप है वो क्लियर कट है। ये पोर्शन जो है पॉइंट के बाद का वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला वैल्यू जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली होल नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो आपको ये कन्फर्म है कि अगर आपको होल नंबर स्टोर करवाना है, ठीक है, तो आपको इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना है। तो इंटीजर डेटा टाइप में भी अलग अलग के टाइप होते हैं। उनमें आज हम पहला टाइप देखने वाले हैं, वो है आईएनटी और साइन आईएनटी, मींस के इंटीजर और साइन इंटीजर डेटा टाइप्स, ठीक है। तो उसकी साइज जो होती है, मींस के जब भी हम उसकी वैल्यू मेमोरी में स्टोर करते हैं तो 2 बाइट ऑक्यूपाइड करेगा, और उसकी रेंज कितनी है, -32,768 to 32,767। तो ये जो है मैंने यहाँ रेंज भी आपको बताई है। लेकिन इस डेटा टाइप का यूज किस तरह से होता है, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में पहले क्या आता है, पहले डेटा टाइप आता है, उसके बाद वेरिएबल नेम आता है। एक इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दूसरी सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। दूसरा है तो ये है, अगर हमें मोर देन वन वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर करने हैं तो किस तरह से किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम वन देन कॉमा वेरिएबल नेम टू देन कॉमा, वो जो होता है वो आप अप टू कॉमा करके ले जा सकते हो, ठीक है। वेरिएबल नेम एन, तो कुछ इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि इसकी जो रेंज है इंटीजर की वो है 32,767 तक। तो वो कैसे है, तो पहले तो मैं डिक्लेरेशन करता हूं वेरिएबल का। इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो सिर्फ आगे लिखना है आईएनटी। जैसे ही हम आईएनटी लिखते हैं तो ये जो है वाइट हो जाता है, क्योंकि जो आईएनटी मींस कि इंटीजर है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह इंटीजर आप सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर लिखे तो वो समझ जाएगा ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये जो इंटीजर है वो वाइट हो गया, मींस के कीवर्ड है, वॉइड है वो भी वाइट है, मींस के वो कीवर्ड है। अब वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम में नंबर वन रखता हूं। ये जो नाम जो हम रखते हैं वो आइडेंटिफायर होता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10, ठीक है। तो ये जो हुआ ना नंबर वन इक्वल टू 10, वो किस तरह से मेमोरी में होगा, तो मेमोरी है उसमें एक ब्लॉक बनेगा, तो ये नंबर वन नाम का जो वेरिएबल है वो 2 बाइट ऑक्यूपाइड करेगा मेमोरी, और उसमें ये 10 स्टोर करेगा। तो अब मुझे जानना है कि ये किस जगह पे स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस में। तो जो भी जगह पे ये वैल्यू स्टोर होती है उसका एक एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस आपको जानना है। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आप वो कर सकते हो। तो आपको पहले प्रिंटफ लिखना है, उसके बाद सेमी कोलन, देन डबल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क के अंदर
अगर आपका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है तो इधर आपको टाइप स्पेसिफायर यूज करना है। तो ये बात ध्यान रहे कि जब आपने इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप स्पेसिफायर है, लेकिन ये जो टाइप स्पेसिफायर होता है वो वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए है। पहले मैं नंबर वन की वैल्यू शो करना सिखाता हूँ, बाद में आपको एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो स्टोर हुआ होता है वो आपको बताता हूँ। इधर लग देता हूँ नंबर वन इक्वल टू, और उसके बाद आपको करना है परसेंटेज डी, डबल कोटेशन फिनिश होने के बाद वन कॉमा करना और वेरिएबल का नाम यूज करना है। इतना करने से क्या होगा, ये जो नंबर की वैल्यू जो स्टोर हुई हुई है वो डिस्प्ले होगी। अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो आप प्रिंटएफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसमें क्या करना है, आगे का टेक्स्ट है, आप कुछ भी स्टेटिंग लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर जो है एक टाइप स्पेसिफायर होता है, परसेंटेज डी जो मैंने किया हुआ है ये टाइप स्पेसिफायर मींस कि अगर इधर आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो इंटीजर टाइप का है तो आपको ये परसेंटेज डी लिखना है, ठीक है, ये फिक्स है। उसके बाद डबल कोटेशन के बाद आपको कोमा करना और वेरिएबल का नाम सिंपली यूज करना है। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं अपनी जो स्क्रीन है उसे क्लियर कर देता हूँ और गेट सीएस का जो मैसेज है वो भी डिस्प्ले कर देता हूँ। कंपाइल सक्सेसफुल, अब रन करते हैं तो वन एरर आ रहा है, तो वो एरर कौन सा है देखते हैं। गेट जी टी टेक इन ए मॉड्यूल, तो हमने जो गेट सी एस मेथड यूज की उसमें को कुछ फॉल्ट है, मीन्स के जो मैंने इधर लिखा है वो स्पेलिंग मिसमैच है। गेट सी एस हो गया, अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो हमें दिख रहा है नंबर वन में हमने 10 स्टोर किया तो वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बात हुई नंबर किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे किस तरह से डिस्प्ले करवानी है, तो ये जो सिंटेक्स है आप समझ लीजिए। उसके बाद अब मुझे ये जो नंबर वन है वो मेमोरी में कितनी बाइट स्टोर करता है, मैंने आपको इधर तो बता दिया कि इंटीजर वेरिएबल होता है वो 2 बाइट स्टोर करता है मेमोरी में। तो ऐसे मान तो नहीं लेना हमें कि किसी ने हमें बता दिया और हम मान जाए, हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वेरिएबल है तो उसने कितनी साइज मेमोरी में स्टोर की है, तो वो हमें जानना है तो क्या करना पड़ता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। पहले इधर मैं स्लैश एन का यूज कर देता हूँ पहले, इसके लिए कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हो वो नेक्स्ट लाइन में आए। उसमें भी आपको प्रिंटएफ का यूज करना है, उसमें सिर्फ आपको इधर एक मैसेज देता हूँ साइज करके, साइज इक्वल टू 10% डी ही यूज करना है। और किसी भी वेरिएबल की आपको साइज जाननी है तो उसके लिए साइज ऑफ करके एक फंक्शन है, वो आपको इस तरह से लिखना है इधर साइज ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। मुझे इधर नंबर वन का वेरिएबल जो है उसकी साइज जाननी है इसलिए मैंने नंबर वन लिखा। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की जो साइज होती है मीन्स के मेमोरी में वो कितनी बाइट ऑक्यूपाइड करता है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, वो आपको जानना है तो इस तरह से आप जान सकते हो। कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो आप देख सकते हो नंबर वन इक्वल टू 10 एंड साइज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि नंबर वन है वो 2 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो इधर मैंने जो आपको बताया ठीक है वो आपको एग्जीक्यूट करके भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू हम इनिशियलाइज मीन्स के डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करते हैं मीन्स के वैल्यू उसमें कॉपी करते हैं तब वो मेमोरी में पर्टिकुलर एड्रेस पर स्टोर होता है। तो वे जो नंबर वन की वैल्यू है 10 तो वो वैल्यू किस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर हुई है वो मुझे जानना है। तो किस तरह से मैं जान सकता हूँ तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली इधर लिखना है प्रिंटेप, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क करना और सिंपली एक मैसेज दे देता हूँ एड्रेस, उसके बाद इक्वल टू करता हूँ। जब भी आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जानना हो तो आपको जो टाइप स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज यू का यूज करना है, ठीक है, परसेंटेज यू नॉट परसेंटेज डी। जब भी हमें एड्रेस जानना हो तो परसेंटेज यू का यूज करना है, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स फिनिश होने के बाद एक कोमा करना है, उसके बाद एम परसेंट साइन का यूज करना है, उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम लिखना है। तो ये जो है सिंटेक्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको एड्रेस जानना है तो किसी भी वेरिएबल का। इधर मेरे केस में एक ही वेरिएबल है तो उसका नाम मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसे अब हम
एग्जीक्यूट करने के पहले मैं इधर स्लैश एन दे देता हूँ, इसलिए न्यू लाइन में आ जाए ये जो लाइन है एड्रेस वाली वो। ठीक है, सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, सक्सेस। अब रन करता हूँ तो आप देखो नंबर 1 इक्वल टू 10, साइज इक्वल टू 2, एड्रेस 65524। तो ये जो है मेमोरी एड्रेस है, उधर हमारा जो नंबर 1 नाम का वेरिएबल है वो स्टोर है। तो इस तरह से आप उसका एड्रेस जान सकते हो, उसने मेमोरी में कितनी बाइट ऑक्यूपाइड की वो जान सकते हो, और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने नंबर 1 ही लिया, इधर मैं नंबर 2 कर देता हूँ, उसके वैल्यू जो है वो 20 करता है और उसका एड्रेस मुझे जानना है। तो यही लाइन जो है वो मैं नीचे लिख देता हूँ प्रिंट टैब। अगर ये लाइन मुझे नेक्स्ट लाइन में जाए तो इधर भी मैं स्लैश एन का यूज कर सकता हूँ और इधर भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें स्टार्ट में रखता हूँ। ठीक है, एड्रेस नंबर 2 इक्वल टू परसेंटेज यू देन कॉमा एम परसेंट साइन एंड नंबर 2। इसका एड्रेस भी डिस्प्ले होगा अब, तो आप देख सकते हो नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट हुई, नंबर 1 जो वेरिएबल है उसकी साइज भी 2 बाइट आ गई, नंबर 1 जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस है 65524 और एड्रेस नंबर 2 का है 65522। तो ये जो है वो आपको अलग अलग दोनों नंबर 1 और नंबर 2 के एड्रेस है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जान सकते हो। लेकिन ये बात तो आपको क्लियर हो गई, अब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब ये पूरी जो रो है अगर मुझे उसे डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस वाई में दबाकर वो डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। पहले तो इंटीजर और साइन इंटीजर, साइन इंटीजर मीन्स, साइन का मतलब क्या होता है सी लैंग्वेज में, साइन मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू बोथ, मीन्स के माइनस से लेकर प्लस तक। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू भी और प्लस वाली, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वैल्यू स्टोर इन साइन इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर और साइन इंटीजर दोनों का काम ठीक है, लेकिन साइन इंटीजर आपको डिफाइन करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, आईएनटी के आगे आपको साइन लिखना पड़ेगा। इस तरह से दोनों का जो 2 बाइट ऑक्यूपाइड होता है, रेंज भी सेम है, लेकिन इस तरह से साइन इंटीजर आप यूज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट साइन इंटीजर ही है, इसलिए साइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब रेंज की बात करते हैं, कि आपको पता नहीं है कि रेंज मतलब क्या, मींस कि आप जब भी डेटा स्टोर करते हो तो एल इसकी रेंज है 32767, तो वो मैं इधर इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो उसकी रेंज है लास्ट वैल्यू 32767, तो वो मैंने इधर इनिशियलाइज कर दी। तो अब क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो वो जो नंबर 1 इक्वल टू 32767 है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये रेंज की बात हुई। अब मैं इससे ये जो मैंने उसकी लास्ट है रेंज, मीन्स के लास्ट पोजिशन ए है, मीन्स के लास्ट वैल्यू मैक्सिमम इतनी ही स्टोर होती है, मिनिमम ए, ठीक है, -32768 और मैक्सिमम वैल्यू आप इतनी स्टोर कर सकते हो 32767। अगर मैं इधर एक भी ज्यादा लगा देता हूँ, इसकी रेंज है 67 तक, ठीक है, लेकिन मैंने इधर कर दिया 68, तो अब क्या है हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है वो देखते हैं। कंपाइल किया और रन कर, तो आप देख सकते हो नंबर 1 इक्वल टू -32768, तो उसकी जो साइन है मींस कि ये चेंज हो गई और हमें गार्बेज वैल्यू दिख रही है। तो आप जब भी अपना प्रोग्राम बनाते हो और ऐसा आपके साथ होता है, तो आपको समझना है कि आपने जो वैल्यू असाइन की है और जो वैल्यू स्टोर हो रही है नंबर 1 और अदर कोई वेरिएबल में, वो उसकी रेंज से ज्यादा है, मीन्स कि ए जो है इसकी मैक्सिमम रेंज है, लेकिन हमने मैक्सिमम रेंज को पार कर दिया है, 1 प्लस करके मैं उसको इनिशियलाइज करता हूँ, तो वो हमें इनप्रॉपर मीन्स के गार्बेज वैल्यू हमें आउटपुट में दे रहा है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप में ही एक दूसरा टाइप का डेटा टाइप आता है, ठीक है, तो उसका यूज कर से आप वो कर सकते हो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।